वेलकम टू लालपुर कुकर। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी आप सब बहन भाइयों के दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मिलकर यहाँ पे बना रही हूँ मटर पुलाव। मटर पुलाव की न्यू रेसिपी है, बहुत इजी है। देखिएगा, कलरफुल सा मटर पुलाव तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है, आप कोई सा भी बर्तन ले लें, चूल्हा जलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है, आप कोई सा भी बर्तन ले लें, चूल्हा मैंने जला दिया है। अब तकरीबन कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, इस टाइम पे आकर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए, अपने पास कुकिंग ऑयल है। एक बॉल मैंने भर के नहीं लिया, चूंकि मेरे पास चावल जो है वो 2 गिलास हैं, इसलिए मैंने एक बॉल से थोड़ा सा कम लिया है कुकिंग ऑयल, एक बॉल से थोड़ा सा कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जब कड़कड़ाने लग पड़े उस टाइम पे इसमें हम लोगों ने एक बे लीफ शामिल कर देना है, साथ ही थोड़ी सी कटी हुई अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच चला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्याज शामिल नहीं किया, प्याज की जगह मैंने अदरक शामिल कर लिया है। मैंने जूलियन कट में अदरक शामिल कर लिया है, आप लोग छोटे छोटे बारीक स्लाइसेस में काट सकते हैं, छोटे ताकि मुंह में ना आए। अदरक को कलर नहीं देंगे। जो ही अदरक कड़कड़ाने लग पड़े उस टाइम मैंने चूल्हे की आंच बहुत कम कर देंगे। ये देखे, यहाँ पे 3 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक और इसी में ही सब्ज मिर्च को मैंने कूटा हुआ है, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच को हल्का करना, बहुत मजेदार खुशबू आ रही है अदरक की। लहसुन अदरक सब्ज मिर्च जब हल्का सा फ्राई हो जाएंगे उस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे। मटर पुलाव तैयार करने के लिए जो मैंने एक सीक्रेट चीज रखी है, ये देखें यहाँ पे, ये मुर्गी की गर्दनें हैं। जब हम पुलाव को टेस्ट देने के लिए चिकन पाउडर या चिकन क्यूब शामिल करते हैं वो हो जाता है आर्टिफिशियल फ्लेवर। ये देखें, ये बिल्कुल नेचुरल है चीज और कम खर्च भी है। जिस वक्त मैंने गर्दनें ली थी ना, उसके ऊपर मैंने ये 2-3 चुटकी अजवाइन छिड़क ली थी, अजवाइन लगी हुई गर्दनें, इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। एक एक साइड गर्दन की फ्राई हो चुकी है, दूसरी साइड चेंज करते हैं। मुर्गी की गर्दनों की जगह थोड़ा सा चिकन भी शामिल कर सकते हैं। जब गर्दनें फ्राई हो जाएं उस टाइम हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना। बिस्मिल्लाह। गर्दनें फ्राई हो चुकी हैं, हल्का सा मैंने पानी भी डाल दिया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं खुश्क मसाला जार। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है जीरा, सफेद जीरा है, ये गर्म मसाला है पूरा। ये थोड़ी सी अपने पास सौंफ है, 2 चुटकी तकरीबन मैंने लिया है खुश्क धनिया, ये अपने पास 2 से 3 सूख साबुत मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून नमक है, चूंकि 2 गिलास चावल हैं। ये मैंने 1/2 टीस्पून ली है काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर। काली मिर्च और गर्म मसाला पाउडर मैं उठाकर साइड पे कर लेती हूँ, इसे अभी हमने तड़के में शामिल नहीं करना, बाकी मसाला जात मैं तड़के में शामिल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार चम्मच चला दूंगी, जरूरी खुश्क मसाला डालने के बाद इसमें मैं शामिल करती हूँ टमाटर, 2 टमाटर मैंने काट लिए हैं बारीक बारीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। अगर टमाटरों का आप मसाला तैयार करना चाहते हैं या नीले में पीसना चाहते हैं तो अब इस टाइम बर्तन को ढक्कन से ढांप दें ताकि ये नरम हो जाए। मैं यहाँ पे टमाटर को गलाना नहीं चाहती, ऐसे ही भूनूंगी, इसलिए मैंने ढक्कन से नहीं ढांपा। गर्दनें अच्छी तरह से भून चुकी हैं, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, इसलिए इस स्थान पे आकर मैं इसमें शामिल कर देती हूँ मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 किलो के करीब मटर हैं, आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, कम भी शामिल कर सकते हैं, साथ आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मटर पुलाव बनाना है। 2-3 बार चम्मच चलाने के बाद हम इसमें पानी शामिल करते हैं। ये देखिए, मैंने इस गिलास के साथ 2 गिलास ये वाले चावल लिए हैं, इसी से ही मैं पानी डालूंगी। ये देखें, ये 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 गिलास, 3, 3.5 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालिएगा, मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, 3.5 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया क्योंकि मेरे पास पुराने चावल हैं। अब मैं ढक्कन से ढांप देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 से 3 उबाल आने तक हम इसे ढंपा रहने देंगे। तकरीबन 2 से 3 उबाल के बाद मटर इंशाल्लाह ताला गल जाएंगे, फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे इंशाल्लाह। मटर गलते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं मटर गल चुके हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में मटर गल चुके हैं क्योंकि अभी चावलों को भी गलने में टाइम लगना है, उतनी देर में जो हल्की सी कसर रह गई होगी तो इंशाल्लाह ताला मटर अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें, 2 गिलास चावल, इन्हें मैंने 1/2 घंटा पहले ही भिगो दिए थे, अब ये शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार चम्मच चला देते हैं, ज्यादा चम्मच नहीं चलाना, अब हमने बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। चूल्हे की आंच दरमियानी है,
ये देखिए मैंने ढक्कन से ढांपती है, जब पहला उबाला आएगा फिर हम बाकी चीजें डालते हैं। देखें चावल को पहला उबाल आ रहा है, अब मैं ढक्कन हटाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ बचाओ। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ ये जो अपने पास काली मिर्च है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले शामिल नहीं करनी। हाफ टी स्पून के करीब गर्म मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, सिर्फ एक बार चम्मच चलाएंगे, ज्यादा चम्मच नहीं चलाना। हम लोगों ने पहले काली मिर्च शामिल क्यों नहीं की? अगर हम लोग तड़के में काली मिर्च शामिल कर देते या लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देते तो चावल का कलर खराब हो जाना था, यानी डार्क कलर आ जाना था। ढक्कन से ढांप देती हूँ जब तक पानी खुश्क हो जाए। आंच को ज्यादा तेज नहीं करना वरना पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा, दरमियानी आंच है। अच्छा जी, यहाँ मैं आपसे एक टिप शेयर करती हूँ, जब आपने पानी में चावल शामिल कर देने हैं, चावल शामिल करने के बाद आपने कभी भी आंच को कम नहीं करना वरना चावल सौगी से तैयार होंगे। बेहतर रिजल्ट देने के लिए एक ही आंच रखनी है आपने दरमियानी। ढक्कन हटा कर देखते हैं क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथों को बचा लेना है, अभी पानी है, चम्मच चलाए बिना ही ढक्कन दे देंगे। मैं दोबारा ढक्कन हटा कर देखती हूँ कहीं पानी खुश्क तो नहीं हो गया। बिस्मिल्लाह, पानी खुश्क हो चुका है, ये देखिए चम्मच से चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल चावल दम पे रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं एक तवा ले लेती हूँ, ये मैं कढ़ाई या बर्तन के नीचे रखूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आंच को तेज रहने देंगे, जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब मैं आंच को कम कर दूं। देखें जी, मटर पुलाव का दम लगाए हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। देखें साइडों से भाप निकलना शुरू हो गई है, जब ये किनारों से भाप निकलना शुरू हो जाए ना तो ये निशानी है कि चावलों को दम आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं पुलाव कैसा तैयार हुआ है। ढक्कन को बहुत एहतियात से उठाएंगे, कहीं भाप से हाथों को नुकसान ना पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा से उठाएंगे ऐसे। बिस्मिल्लाह, देखिए बहुत बेहतरीन दम आया है माशाल्लाह, एक एक दाना अलहदा अलहदा देखें, और कितना कलरफुल पुलाव तैयार हुआ है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी, प्लेट में निकालती हूँ मैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें एक एक दाना अलहदा माशाल्लाह से बहुत आला खुशबू आ रही है, मजेदार खुशबू आ रही है। माशाल्लाह से बहुत आला मटर पुलाव तैयार हो चुका है, बहुत मजेदार खुशबू आ रही है, यकीनन ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। इंशाल्लाह ताला आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपका पुलाव भी बहुत ही मजेदार तैयार होगा, इसका फ्लेवर बहुत ही जायकादार होगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत ही अच्छी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।